दोस्तों YouTube चलाते चलाते एक वीडियो मेरे सामने आया तूफानी लाल यादव का। आप लोगों को पता ही होगा तूफानी लाल यादव कौन है, एक भोजपुरी के सिंगर हैं और वो गाना हमेशा कंट्रोवर्सी वाला लेके आते हैं, तो बहुत सारा विवाद होता है, लोग पहुंचते हैं, मीडिया वाले उनसे बातें करते हैं, तो गलत सलत बयानबाजी होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार तूफानी लाल यादव का जब गाना बुरा है तो आप लोग प्लीज़ उस गाने को इग्नोर कर दीजिए। आप लोग अगर देखेंगे नहीं तो व्यू जाएगा नहीं, और जब व्यू जाएगा नहीं तो तूफानी लाल यादव ऐसा गाना बनाएंगे नहीं। तो मेरे समझ से आप लोग उन गाने को जो भी आता है अश्लील टाइप का तो उसे इग्नोर कीजिए, ठीक है, क्योंकि इग्नोर करने से ही जो भोजपुरी कलाकार हैं जो खराब गंदे गंदे सीन बनाते हैं अपने लाइमलाइट के लिए, तो उससे वो लोग उसे छोड़ देंगे, उसे करना उस काम को। इसीलिए आप लोग उस गाने को इग्नोर मार दीजिए, डिसलाइक मार दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सब अपनी अपनी जगह से सही काम कर रहा है, कैसे उठना है, कैसे कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ना है, सब कोई अपना दिमाग लगा रहा है। मेरा मानना है कि अपना दिमाग तूफानी लाल यादव लगा रहे हैं, नई नई लड़कियां को ला रहे हैं और उनके साथ वीडियो कर रहे हैं, उनको भी फेमस होना है और इनको भी होना है, तो दोनों को गाड़ी मिल जा रहा है, लाइमलाइट में, हाईलाइट में मीडिया आ ही जा रही है पूछताछ करने के लिए, बस व्यू जुट जा रहा है, पैसे कमा रहे हैं। बस इतना कहूँगा, ऐसे लोगों को आप लोग इग्नोर कर दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे थे नई बस्ती व्लॉग, मैं आप सबका भाई अर्जुन। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सीधा आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय भोजपुरी, जय बिहार।